अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फ्राई करेंगे डोंडे। इसके लिए मैं ली हूँ एक कढ़ाई में तेल, दो हरी मिर्ची, थोड़े से करी ली। डोंडे में ऐसे लंबे पीसेस में काट के रख ली, मैं अच्छे से वॉश करके ऐसे लंबे में काट के रख ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे डोंडे। डोंडे सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे रख देंगे तो सॉफ्ट हुए तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, मिर्ची, नमक आपके हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची नमक अच्छे से मिक्स कर लिए हम इसके अंदर। लो फ्लेम पे हम और 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे इसको। अब ये डोंडा फ्राई बन के रेडी हो गया। इस थोड़ी सी चॉप कोरिएंडर डालेंगे, मिक्स कर के डिश आउट करेंगे। अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे से फ्राई हो गए ये डोंडा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब ये डोंडा फ्राई बन के रेडी हो गया। इसे आप लोग साइड डिश के सर का भी खा सकते, रोटी में भी खा सकते, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी बन के दे सकते हैं ये डोंडे फ्राई रोटी के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को आप लोग फुल वॉच कीजिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।